एवरीवन, आई एम निवेश कश्यप। तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये से प्रैक्टिस हमारा 6 है। ठीक है, नंबर 6। हमने 5 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, मिल जाएगा यहाँ पे। और इसका अगर आपको PDF चाहिए, पिछले सारे मतलब ऐसे का PDF चाहिए, तो आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओगे पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट मेंस 2023। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लो। आपको वहाँ पे क्या करता है, हम डेली बेसिस पे PDF प्रोवाइड करते हैं जो कि आपका ऐसे यहाँ पे डिस्कस होता है, और इसके अलावा भी कुछ PDF मैं वहाँ पे रोज मतलब दे देता हूँ ताकि आपको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो का जो टॉपिक होगा रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो मैं शॉर्टली, क्योंकि काफ़ी लोगों का कंप्लेन है कि वीडियो बड़ा हो जा रहा है 30-35 मिनट का, तो मैं इन शॉर्ट डिस्कस करूंगा ताकि मतलब जो है वीडियो 20 से 25 मिनट तक का रहे, ताकि आप इसको, अगर आपको लॉन्ग लग रहा है ना, ये लेंदी लग रहा है, तो आप इसको 1.5 के स्पीड में देख सकते हो, या 2.2 मतलब 2 के स्पीड में भी इसको देख सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप मतलब नोट डाउन कर सकते हो या PDF से बाद में पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, ताकि कॉन्सेप्ट समझाने से क्या होता है कि पॉइंट्स हमेशा याद हो जाएगा आपको आगे के लिए। ठीक है, आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में, उस पर हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट कहता है, द एज ओल्ड कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम इन द कंट्री। कहने का मतलब क्या है कि जो पहले से चलते आ रहा ना हमारा कास्ट सिस्टम, तो रिजर्वेशन का आने का सबसे बड़ा रीजन वही है। अगर कास्ट सिस्टम नहीं चल रहा होता तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट निकल के नहीं आता। कास्ट सिस्टम कहने का मतलब आपको पता होगा कि फ्रॉम द वैदिक टाइम द डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि जो लोअर क्लास पीपल हैं, दे आर बीइंग डिप्रेस्ड। ठीक है, और अपर कास्ट के द्वारा उनको काफ़ी डिप्रेस किया गया, सप्रेस किया गया, तो उनकी वजह से क्या होता है कि एक सोसाइटी में ड्रिफ्ट पैदा होता है। ठीक है, जो अपर कास्ट हैं लोअर कास्ट को परेशान कर रहे हैं, इस तरीके से हुआ, तो उनका अपलिफ्टमेंट होना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, तो ये एक ऑरिजिन है हमारे कंट्री का, रिजर्वेशन सिस्टम है उसी के बेसिस पे है, ताकि उनको अपलिफ्ट किया जाए हमारे सोसाइटी में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इस तरीके से आप लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट है, इन सिंपल टर्म्स इट इज अबाउट फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू सीट्स इन द गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इवन लेजिस्लेचर टू सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स में आपको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले, क्योंकि बहुत सारे आपको पता होगा कि हमारी सोसाइटी में अभी जो लोअर कास्ट पीपल हैं, ठीक है, तो उनको उतना अपॉर्चुनिटी मिला नहीं कि आप स्कूल जाओ। ठीक है, पहले से सप्रेशन किया जा रहा है, उनको छोटे मोटे काम में लगाया जाता है अपर कास्ट के द्वारा, तो उन सबको इक्वल एक्सेस मिले, उनको फैसिलिटी मिले, ताकि उनको मतलब पढ़ने का फैसिलिटी नहीं, उनके पास बुक्स खरीदने का पैसा नहीं है। ठीक है, तो उन सबको ओवरकम करने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम दिया गया, ताकि आप गवर्नमेंट जॉब्स में आपको मिल सके आसानी से, मतलब वहाँ एडमिशन ले सकते हो, इस तरीके से आपको फैसिलिटी मिल जाए। ठीक है, एजुकेशनल गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगा आपको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और इवन लेजिस्लेचर्स में, जैसे आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी रिजर्वेशन है, पंचायती राज में भी आपको रिजर्वेशन है, तो ये सब दिया गया उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो रिजर्वेशन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो लाया गया था यही था कि अपलिफ्टमेंट हो सोसाइटी में, ठीक है, जो लोग सप्रेस्ड लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है अ कोटा बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन, इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, एक तरीके से पॉजिटिव एक्शन लिया गया है सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, जो लोग सप्रेस्ड हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी। देखो, डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, एक को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, रिजर्वेशन देने का मतलब क्या है कि आपसे वो कम भी मेरिट में तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन तो है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि उनको कभी मौका ही नहीं मिला फ्रॉम द पास्ट कि वो अपलिफ्ट हो सके, आपके इक्वल आ सके, इसलिए इसको बोला जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट्स थे कुछ, आप इंट्रोडक्शन में इसको इंक्लूड कर सकते हो। अब बातें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा कि हिस्ट्री में किस तरीके से रिजर्वेशन सिस्टम को लाया गया है या कब इसके बारे में बात की गई थी। तो फर्स्ट टाइम जो था हंटर कमीशन का गठन किया गया था 1882 में। ठीक है, विलियम हंटर उसके चेयरमैन थे, और ये बेसिकली जो हंटर कमीशन था ये प्राइमरी एजुकेशन जो हमारे कंट्री में था उसके लिए आया था कि प्राइमरी एजुकेशन में क्या चेंजेस होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्वालिटी वाइज, टीचर्स कैसे हो, लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए पढ़ाने के लिए, ये सब के लिए बेसिकली हंटर कमीशन का गठन किया गया था। उस टाइम पर जो वॉइस रॉय थे, ठीक है, वो थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो ये फैक्ट है, आपके ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि ज्योतिराव जो फूले थे, ठीक है, ये सोशलिस्ट रिफॉर्मर थे उस टाइम के, हमारे कंट्री के बहुत बड़े रहे,
तो उस टाइम पे इन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, हंटर्स कमीशन जब गठन किया गया था उसी टाइम पे इन्होंने ये कहा था कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, जो लोग मतलब बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको स्कूलों में रिजर्वेशन देना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जो हुआ था 1882 में हुआ था, ये अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं द रिजर्वेशन सिस्टम दैट एग्जिस्ट टूडे इन इट्स ट्रू सेंस वॉज इंट्रोड्यूस इन 1933। ठीक है, वेन द प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड रिप्रेजेंटेड द कम्युनल अवार्ड। ठीक है, अब आपको कम्युनल अवार्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली बता दूंगा, ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो देखो कम्युनल अवार्ड क्या था कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था थर्ड, ठीक है, उसके बाद से क्या था कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा हुआ था, आगे बताता हूँ मैं। इसमें क्या गया था, सेपरेट लिख देता हूँ मैं, सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज गिवन टू डिप्रेस क्लासेस। ठीक है, टू डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस कहने का मतलब जो अभी जो एससी लोग हैं ना शेड्यूल कास्ट, उन्हीं को उस टाइम पे डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था, तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था कम्युनल अवार्ड के थ्रू। लेकिन उससे पहले भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे, लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे थर्ड पॉइंट में आप देखोगे, ठीक है, एक था 1909 मॉर्ले मिंटोरी फॉर्म हुआ था जिसमें मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। फिर आता है 1919, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था जिसमें कि सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यूरोपियंस को दिया गया था इसमें। ठीक है, और फाइनली जो होता है 1933 में जो होता है दलित्स को दिया गया था। तो बेसिकली ये तीन था जहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम फर्स्ट टाइम ऑफिशियल तरीके से दिया गया था। ठीक है, लेकिन जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था वो कम्युनल अवार्ड में दिया गया था फर्स्ट टाइम, और इसी की वजह से गांधी जी खुश नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि जो हिंदू, हमारा जो हिंदू का जो कल्चर है वो डिवाइड हो जाएगा अगर आप का मतलब हिंदू धर्म के बीच में ही आप रिजर्वेशन करोगे तो। ठीक है, लेकिन बी आर अम्बेडकर जो थे उनको था कि नहीं, जो सप्रेस्ड क्लासेस है उनका अपलिफ्टमेंट जरूरी हो। दोनों अपने अपने जगह पे सही थे, बस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था दोनों के बीच में। ठीक है, तो उसी के बाद क्या होता है कि गांधी जी मानते नहीं और वो चले जाते हैं धरने, धरना पे मतलब फास्ट पे चले जाते हैं, और रिलेक्टेंटली मतलब नहीं चाहते भी बी आर अम्बेडकर को जो है साइन करना पड़ता है पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट में ये डील किया जाता है कि इस तरीके से रिजर्वेशन नहीं होगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद गांधी जी भी जो होते हैं अग्री हो जाते हैं, और बी आर अम्बेडकर भी रिलेक्टेंटली अग्री होते हैं, मतलब बहुत खुश तो नहीं लेकिन हाँ चलो ठीक है काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाता, मतलब उनको रिजर्वेशन मिलेगा सीट में लेकिन जो वोटिंग राइट्स होगा वो सभी का होगा। इस तरीके से कुछ अग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इस पर डिटेल में बात करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, आप केसेस से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो टर्म है कीवर्ड्स पूना पैक्ट वगैरह इस पर मेंशन कर दोगे तो काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद यही है, उसके बाद आता है मंडल कमीशन, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे एट लेंथ क्योंकि ये एसएस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मंडल कमीशन। ठीक है, तो अब देखो ये कुछ आर्टिकल्स हैं आपके सामने दिए हुए, तो उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड अ बैकवर्ड क्लास कमीशन इन दिसंबर 1978 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। ठीक है, आर्टिकल 340 का जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर करता है गवर्नमेंट को, उस पावर का यूज करते हुए जो प्रेसिडेंट है एक कमीशन का गठन करते हैं, और उस कमीशन का नाम था क्या, मंडल कमीशन। ठीक है, और ये 1978 में इसका गठन किया जाता है, और उसको चेयरमैन जो थे वो बीपी मंडल थे, और उन्हीं के नाम पर जनरली कमीशन का नाम होता है। ठीक है, और ये कमीशन गठन करने का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको हम समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड है। द कमीशन वॉज फॉर्म टू डिटर्मिन द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग इंडियाज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, रिजर्वेशन देने से पहले ये जरूरी होता है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आएगा और कौन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस सेग्रीगेशन करने के लिए जो मंडल कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, एंड टू रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ दोज क्लासेस, और उस क्लास जो लोग हैं जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका जो एडवांसमेंट होगा उसका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, बेसिकली ये कमीशन को काम दिया गया था। ठीक है, अब देखो मंडल कमीशन का कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ आउटकम आया, वो क्या है उसको देखते हैं। द मंडल कमीशन कंक्लूडेड दैट इंडियाज पॉपुलेशन कंसिस्टेड अप्रोक्सीमेटली 52% ओबीसी, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि एससी एसटी अलग चीज है और अदर बैकवर्ड क्लास अलग चीज है। ठीक है, जो टोटल इंडिया का पॉपुलेशन है वो 52% यानी मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है ओबीसी है। ठीक है,
तो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन था कि 27% गवर्नमेंट जॉब्स शुड बी रिजर्व फॉर देम, ठीक है, आप पता है, और ये एक्सेप्ट भी किया गया गवर्नमेंट के द्वारा बाद में, कि जो 27% जो रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में, ये मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन था और गवर्नमेंट इसको अप्लाई भी करती है, ठीक है। ये इंडिकेटर्स वगैरह आपको नहीं देखना, बस देखना कौन कौन सा इंडिकेटर्स था जो डिसाइड करने में हेल्प किया था कि किस बेसिस पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो था सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस अमंग हिंदू, द कमीशन हैज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बैकवर्ड क्लासेस अमंग नॉन हिंदूज, ठीक है, हिंदू में बैकवर्ड क्लासेस कौन है और नॉन हिंदू, नॉन हिंदू कहने का मतलब मुस्लिम से क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ये सब आपके ऐसे ऐसे कोई रिलेवेंट नहीं है, इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था, ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर के हमारे इतिहास में, वो है इंदिरा साहनी केस ऑफ 1992, ठीक है, इसको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। जब मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था 27% रिजर्वेशन को लेकर के, तो उस जो जजमेंट, सॉरी वो जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, ये सही है या गलत है। तो उस केस का नाम था इंदिरा साहनी केस, यानी इसको कभी कभी मंडल केस भी बोलते हैं, कन्फ्यूज होने की, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है। तो इंदिरा साहनी केस 1992 में हुआ था, मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था और गवर्नमेंट का उस पर इम्प्लीमेंटेशन था उसके ऊपर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जो एक्शन था उसको अपहेल्ड किया था, अपहेल्ड करने का मतलब उसको सपोर्ट किया कि ये सही है, ठीक है। तो ये लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट वाइल अपहोल्डिंग द 27% कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, इसको तो अपहोल्ड किया, लेकिन स्ट्रक डाउन द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिजर्विंग 10% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अमंग हायर कास्ट, ठीक है। जो अभी जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया ना, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट का प्रपोजल आया था, लेकिन उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, उसको मतलब खारिज कर दिया गया था, तो वो कैंसिल हो गया था वहीं पे। लेकिन जो 27% वाला था उसको अपहेल्ड किया गया था, माने कि वो सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उस केस में और कुछ इंपॉर्टेंट जो है जजमेंट सुनाया गया था उसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो उसको हम देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन द सेम केस ऑल्सो अपहेल्ड द प्रिंसिपल दैट कंबाइंड रिजर्वेशन बेनिफिशियरी शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, मतलब कि जितने भी कंबाइंड बेनिफिशियरी है रिजर्वेशन सिस्टम का, यानी कि ओबीसी, ठीक है, क्योंकि गठन किया गया था मंडल कमीशन का ओबीसी को लेकर के, एससीज और एसटी, ठीक है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, इन सब का जो पॉपुलेशन है वो 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, बेसिकली ये कहा गया था। और इसी केस में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर लाया गया था, ठीक है, क्रीमी लेयर मतलब जिनका कुछ सर्टेन एक उनके लिए पैरामीटर्स रखा गया था कि जिनका इनकम इतने से कम है, ठीक है, वो नॉन क्रीमी लेयर होंगे, और इतने से ज्यादा अगर इनकम है तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे, तो क्रीमी लेयर वाले को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा भले ही वो ओबीसी में क्यों ना हो, ठीक है। तो ये कहा गया था। अब रिसेंटली इस पे ईडब्ल्यूएस पे मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल में, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम का पार्ट है तो इसको आपको इंक्लूड करना है। देखो इस ईडब्ल्यूएस जो है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इस पे अलग ही ऐसे आ सकता है, बहुत ही हाई चांस है, ठीक है। तो आपको दोनों को लिंक करके करना होगा, अगर ईडब्ल्यूएस पे आता है तो आपको ज्यादा फोकस ईडब्ल्यूएस पे रखना है, अगर आपको रिजर्वेशन सिस्टम एज अ होल आता है ऐसे में तो आपको ईडब्ल्यूएस का मेंशन करना है, बाकी ओबीसी की तरह, ठीक है। तो यहां पे मैं बात करूंगा, रिसेंटली द कॉन्स्टिट्यूशनल 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 हैज प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड इन द अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो आया था, जो कि अभी 3-2 मेजोरिटी के साथ, ठीक है, इस पे भी आया था रिसेंट जजमेंट, तो इसको अपहेल्ड किया गया, ये सही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा ब्रीफली क्या क्या हुआ था, क्या क्यों इसको अपहेल्ड किया, क्योंकि इंदिरा साहनी के केस में आपको पता होगा कि 50% का कैप दिया गया था, तो अगर 10% एक्स्ट्रा बढ़ा दो 60% हो जाता है, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ अकॉर्डिंग टू, लेकिन इस पर मैं बात करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। पहले जो चल रहा है उसको हम आगे करते हैं। द एक्ट अमेंड्स आर्टिकल 15 एंड 16। आपको पता होगा कि जो ईडब्ल्यूएस का जब प्रोविजन आया तो इसमें अमेंडमेंट किया गया, जब अमेंडमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है, बिना अमेंड किए आप नहीं डाल सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करोगे तभी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर पाओगे। तो क्लॉज 6 को अमेंड किया गया, उसमें इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करता है, जो मतलब मान के चलो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ओबीसी नहीं, ओबीसी हो गया बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन एक होता है एक होता है एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली
ठीक है, इस बेसिस पे जो पिछड़े लोग हैं ना उनको रिजर्वेशन देना, यानी कि EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक वाला कॉन्सेप्ट है ये क्लॉज 6 में ऐड किया गया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस पर मैं बात करता हूँ थोड़ी देर में आगे, मतलब आएगा एक और कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के बाद मैं बात करता हूँ कि ये सही क्यों है। ठीक है, अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि रिजर्वेशन को लेकर के, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, बेसिकली ये फैक्ट्स है कि कब क्या हुआ था, इसको मैं अभी स्किप करता हूँ यहाँ पे। ये पंचायत में दिया गया है, ये म्यूनसिपैलिटी में दिया गया है, रजिस्ट्रेशन में दिया गया है, ये सब दिया गया है। अब देखो कुछ जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ रिजर्वेशन, इसको समझाने के बाद आपको EWS का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन की बात की गई थी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का, वो कब था, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकम दोराईराजन केस। ठीक है, 1951 का केस था, फर्स्ट केस था, और इस केस की वजह से जो फर्स्ट अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। लेकिन रिजर्वेशन को लेकर के इस केस में क्या कहा गया था उस पर मेरा फोकस रहेगा, ना कि इस केस में टोटली क्या हुआ था। ठीक है, तो श्रीमती चंपाकम दोराईराजन वॉज द फर्स्ट मेजर वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, यह फर्स्ट केस था। दिस केस लेड टू द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या कहा गया था इस केस में वो देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस पॉइंटेड आउट दैट वाइल इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट आर्टिकल 16(4) क्लॉज 4 प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, नो सच प्रोविजन वॉज मेड इन आर्टिकल 15। देखो आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन एस्पेक्ट से। ठीक है, आर्टिकल 16(4) में तो था कि प्रोवाइड्स किया गया है, मतलब बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 15 में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था उस टाइम तक। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, पर्सुएंट टू द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, ठीक है, तो पार्लियामेंट अमेंडेड द आर्टिकल 15 बाय इंसर्टिंग क्लॉज 4। इस केस में जो बताया गया, बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, आर्टिकल 15 में अमेंड करती है, जो कि क्लॉज 4 को ऐड किया जाता है। और क्लॉज 4 क्या कहता है, वो कहता है कि, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, एक मिनट इरेज कर दूँ पहले, सॉरी, ताकि स्पेस मिल जाए थोड़ा सा लिखने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में क्या कहता है, क्या इंसर्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, उसको हम देख लेते हैं। स्पेशल प्रोविजन दिया गया, स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट एडवांसमेंट फॉर एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है ना कि सोशली सोशल बैकवर्ड जो है वो, और एजुकेशनली बैक, यहां पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात नहीं की गई थी, और आपको पता होगा इसलिए जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में स्पेसिफिकली ये लिखा गया कि जो जो इकोनॉमिकली सेक्शन बीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा 103rd अमेंडमेंट में भी, EWS के केस में भी, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 को ऐड किया गया है, जहां पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ऐड किया गया था। ठीक है, तब जा करके वो अमेंडमेंट एक्ट बनता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये कहा गया था, ये आप एग्जाम आपके ऐसे 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 में नहीं लिखना आपको ये सब प्रोविजन वगैरह, बस आपको आर्टिकल मेंशन करना, मैं आपको समझाने के लिए बता दिया बस। ठीक है, तो उस केस के बाद से क्या होता है, इतना काम होता है। उसके बाद आता है हमारा केस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। उसमें ने आपको ऊपर बताया था क्या इस केस में कहा गया था, फिर से वहाँ रिपीटेड है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट निकल के आया था, रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं। हाँ, एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, 50% के कैप के साथ साथ ये भी कहा गया था कि क्या कहा गया था, ओबी शुड बी एक्सक्लूडेड, क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ रिजर्वेशन, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन एक और चीज़ कहा गया था, देयर शुड नॉट बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन में लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था। एंड टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट एक्सीड 50%। तो एक चीज निकल गया था कि रिजर्वेशन में, यानी कि सॉरी प्रमोशन में जो है आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसको बाद में चेंज किया जाता है, इसको आगे बताऊंगा कि कैसे चेंज करते हैं इसको। ठीक है, उसी के बाद क्या होता है कि जब जैसे प्रमोशन में बात की गई कि आपको प्रमोशन में जो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो इस पर आप क्या करें, पार्लियामेंट फिर से क्या करती है, एक अमेंडमेंट लाती है। ठीक है, और वो अमेंडमेंट कौन सा था, द पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड बाई इनेक्टिंग 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जिसमें
आर्टिकल 16 क्लॉज 4A को ऐड किया गया, फिर से अमेंड कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया उसको हम देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। दिस आर्टिकल कन्फर्स पावर ऑन द स्टेट टू रिजर्व सीट इन फेवर ऑफ एससीज एंड एसटी इन प्रमोशन इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, जैसे ही इंदिरा सानी के केस में कहा गया कि आपको रिजर्वेशन नहीं देना है प्रमोशन के केस में, तो पार्लियामेंट इसको रिएक्ट, इस जज मतलब ये जो जजमेंट था इसका काउंटर लाने के लिए जो है हमारे संविधान में अमेंडमेंट करती है, और क्या आर्टिकल 16 4A को इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 16 में छोटा सा। और वो अमेंडमेंट क्या था कि ये अमेंडमेंट पावर करता है, यानी जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, यानी कि मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के पावर उनके हाथ में, ठीक है, तो वो अपने आप पावर ले लेते हैं कि हम एससी ओबीसी के बारे में नहीं बात की गई थी यहाँ पे, लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको हम प्रमोशन दे सकते हैं, ये आर्टिकल 16 4A कहता है। ठीक है, इसको अमेंड कर दिया गया। अब अमेंड कर दिया, फिर बाद में अलग बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो सही है गलत है वो बाद का प्रोसीजर है, लेकिन पार्लियामेंट फिलहाल के लिए ये चीज अपने पावर में ले लेती है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों किया जाता है, द कम्युनिटीज आर नॉट एडिकेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और जो लोग एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, जिनको मौका नहीं मिला है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, उसको प्रमोशन के थ्रू आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ये गवर्नमेंट का कहना था, इसका बेसिस था ये लाने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस के बारे में। ये तो आपको पता चल गया इंदिरा सानी के केस में क्या क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, और उसको काउंटर करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट लाया गया था, ये आपके एग्जामिनेशन में लिखना है, आपके एसे में इंक्लूड करोगे तो अच्छा, मतलब एक अच्छा जाएगा उस पर इंप्रेशन। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इन एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस, वाइल अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 16 4A। अगेन मैंने बताया था, जब भी कोई गवर्नमेंट इस तरीके सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाके कोई पॉलिसी को लाती है, यानी कि लॉ बनाती है उस पर, तो बहुत हाई चांस होता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में अगेन चैलेंज किया जाता है कि ये सही है या गलत। लेकिन उसी चीज को चैलेंज करने के लिए आर्टिकल जो 16 4A था उसको चैलेंज करने के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और उस केस का नाम था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन उस केस में क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये सही है ये गलत नहीं है। ठीक है, बेसिकली इतना ही था, लेकिन कुछ कंडीशंस था। ठीक है, कि ये कंडीशंस आपको फुलफिल करना होगा अगर आप उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहते हो, तो वो क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं, कि एससी एंड एसटी कम्युनिटी शुड बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड फर्स्ट। ठीक है, वो एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तभी उनको मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बहुत वेलबींग है तब मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सच रिजर्वेशन पॉलिसी शैल नॉट अफेक्ट द ओवरऑल एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर प्रमोशन कर दिया जाए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन में जहां आप उनको प्रमोट कर रहे हो तो उनके लायक होने चाहिए वो, ये सब गवर्नमेंट को ध्यान में रखना है, ताकि बाकी आप सब कुछ सही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट केस है, ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, ठीक है, तो आपको उतना नहीं करना है, बस दो केस मैं आपको जो बताया हूँ, इंदिरा सानी का केस, ठीक है, और ये केस नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, और वो जो 77th अमेंडमेंट एक्ट है, ये तीनों आपको बहुत ही अपने ऐसे में लिखना है। तो रिजर्वेशन मतलब ये कोर जजमेंट्स है रिजर्वेशन के ऊपर, ठीक है, तो ये चीज़ करना है, इसको आप पढ़ लेना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा है जो आपका, ठीक है, रिजर्वेशन क्यों चाहिए, रिजर्वेशन क्यों नहीं चाहिए, उसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, इस पे आते हैं। फैक्ट जितना था हमने आपको करवा दिया है, अब बिल्कुल ईजी वाला पार्ट है, इसको हम जल्दी से निपटा देते हैं। ठीक है, अब देखो वाई रिजर्वेशन नीडेड। ठीक है, देखो ये जो है ना वाई रिजर्वेशन नीडेड, इसके अगेंस्ट में इसके सपोर्ट में जो आंसर होंगे ये सभी कोई लिखेगा, लेकिन अगर आप जो मैंने आपको ऊपर फैक्ट्स बताया ना केस के थ्रू आर्टिकल्स के थ्रू क्या अमेंडमेंट हुआ है, अगर वो आप अपने ऐसे में इंक्लूड करोगे ना, तो बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा बाकी कंपैरिजन में, ये मान के चलो। ठीक है, अब रिजर्वेशन क्यों चाहिए, देखो पहले के हिस्टोरिकल इनजस्टिस, स्टार्टिंग से ही जो है जो नीचे दबके के लोग हैं, जो लोअर कास्ट पीपल हैं, उनको दबाया जा रहा है, वो एक रीज़न था हिस्टोरिकल जस्टिस। ठीक है, टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सभी को मौका मिले कि वो आके अपना मतलब कैपेबिलिटी दिखा सके, उनमें क्या टैलेंट है क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन जो लोगों को मौका ही नहीं पढ़ने का, वो कैसे दिखाएंगे कि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, ताकि एक थोड़ा सा उनका अपलिफ्टमेंट हो, ताकि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके इक्वल में वो आ सके। ठीक है, टू इंश्योर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। आपको पता होगा कि पहले से, जैसे आपको पता होगा, मैं आप यहाँ पे जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन आपको पता होगा 1885 में किया गया था, कांग्रेस 1885। तो इसका जो गठन करने वाले जो मेंबर्स थे ना, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जो इनके कर्ता धर्ता थे, उस मोस्ट ऑफ जो लोग थे, 99% जो लोग थे, वो अपर कास्ट पीपल थे। ठीक है, ये सच्चाई है,
और ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट मिलेगा आपको, जितने ही बड़े बड़े वकील हुए हैं हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह थे, वो आप देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ सभी लोग जो है ना अपर कास्ट पीपल हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जैसे ज्योतिबा फूले हो गए, तो उन्होंने काफी आवाज उठाई थी। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी थे, लेकिन मोस्ट ऑफ जो लोग थे वो अपर कास्ट पीपल थे। तो कहने का मतलब शुरू से ही सिर्फ नीचे, मतलब नीचे सेक्शन सोसाइटी में की बात नहीं, ऊपर भी जो लोग थे वो अपर कास्ट पीपल थे। ठीक है, और उस टाइम पे जो गवर्नमेंट पोजीशन हुआ करता था, अपर अपर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे वो जनरली अपर कास्ट ही होते थे। तो अगर देखा जाए तो एडुकेट, मतलब एडुकेट रिप्रेजेंटेशन जो था वो नहीं था सोसाइटी में या फिर सर्विसेज में। तो उसको ओवरकम करने के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी आना जरूरी है, इस चीज को आप मेंशन कर सकते हो, ये फैक्ट है। ठीक है, दूसरा फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वगैरह। ठीक है, टू इंश्योर इक्वालिटी। ठीक है, आर्टिकल 14 यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है, इंश्योर इक्वालिटी एज अ बेसिस ऑफ मेरिटोक्रेसी, मतलब मेरिटो मतलब मेरिट के बेसिस पे, ऑल पीपल मस्ट बी ब्रॉट टू द सेम लेवल बिफोर जजिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, मेरिट जज करने से पहले आप पहले उनके बराबर तो ले आओ, ठीक है, तब मेरिट जज होगा। ये था कुछ रिजर्वेशन क्यों चाहिए, यानी कि सपोर्ट में आंसर। अब कुछ अगेंस्ट में देख लेते हैं कि क्यों नहीं चाहिए रिजर्वेशन। ठीक है, क्योंकि आपको इरेशनल होना है, आपको बायस नहीं होना है लिखते टाइम कि आप अगर अपर कास्ट से हो तो आप इसके अगेंस्ट में लिखोगे, अगर आप लोअर कास्ट से हो तो आप इसके सपोर्ट में लिखोगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल रेशनल अप्रोच रखना है लिखते टाइम पे भी, और एज ए मतलब इंडिविजुअल भी आपको एक रेशनल अप्रोच ही रखना चाहिए। रिजर्वेशन इन स्टेट सर्विसेज लेड टू डिविजन एंड एनिमिटी अमंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, विशिएटिंग द एटमोसफेयर एट वर्क प्लेस। क्या होता है ना कि रिजर्वेशन की वजह से आप एक गुट बन जाता है, जहां पे भी आप काम करते हो ऐसा देखने को मिलता है कि डिवीजन हो जाता है, वो अच्छा वो इस कास्ट से है, वो लोअर कास्ट है, अपर कास्ट वाले अलग हो जाते हैं, तो ये सब थोड़ा सा एक इशू रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इरेडिकेशन नॉट परपिचुएशन ऑफ कास्ट वॉज ऑब्जेक्टिव द रिजर्वेशन पॉलिसी, बट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ओनली परपिचुएट द नोशन ऑफ कास्ट इन सोसाइटी। ठीक है, परपिचुएट मतलब किसी चीज को लंबे टाइम तक सस्टेन करना, मतलब उसको रखे रहना, चलते आ रहा तो चलने दो, उसी का मतलब होता है परपिचुएट। ठीक है, तो जो नोशन है कास्ट सोसाइटी का, उसको हम चाहते हैं कि चलते रहे, उसको अपलिफ्ट करना चाहिए। तो ठीक है, तो क्या होता है कि रिजर्वेशन देने से क्या होता है ना कि हमारे मन में बैठा ही होता है कि अच्छा ये इसको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो एक काइंड ऑफ ना नोशन बन जाता है कि अच्छा ये लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है, इस तरीके से। तो बेसिकली एक सरकाजम की तरह से इस स्टेटमेंट को यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर दैट द हिस्टोरिकली अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज वर गिवन इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस दे कंटिन्यू टू रिमेन सोशली डिसएडवांटेज। इसका देखो क्या होता है, हम कहने का मतलब कि रिजर्वेशन का जो पर्पस था, जो ऑब्जेक्टिव था मेन, वो था कि रिजर्वेशन उन लोगों को मिलना चाहिए जो अंडर प्रिविलेज है। लेकिन मान के चलो कोई जो रिजर्वेशन, मान के चलो कोई एससी कैटेगरी का एक इंसान है, ठीक है, ए है, और उसको रिजर्वेशन मिला, वो बहुत हाई पोजिशन पर चला गया अपने लाइफ में। ठीक है, वो मतलब मान के चलो मिनिस्टर बन गया, वो मिनिस्टर बन गया, ठीक है, स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं पे भी, उसके बावजूद भी जो उसके जो नीचे नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं, लोअर जनरेशन को, उनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है। ये इंसान तो बहुत आगे चला जा चुका है ना, अब ये एडुकेट मतलब ये एक तरीके से कह सकते हो कि ये अंडर प्रिविलेज नहीं है, इसके पास वो हर फैसिलिटी है, एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है अपने बच्चों को, हर कुछ करवा सकता है, लेकिन फिर भी जो इसके बच्चे हैं इनको रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत है, ये आप मतलब रिजर्वेशन के अगेंस्ट में पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ही कहा गया इसमें। और जो लोग नीचे दबके के लोग हैं, अभी भी मतलब नीचे दबके के, उनको मतलब स्कूल भी जाने का मौका नहीं मिल रहा, इतने गरीब हैं, उनके पास जमीन नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, वो स्कूल ही नहीं जा सकते हैं, तो रिजर्वेशन तो बाद की बात है ना, स्कूल जाएंगे तब तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा, पहले नामांकन तो करवाओगे तब ना। ठीक है, तो ये एक डिफ्रेंशिएट क्रिएट हो गया सोसाइटी में, लोअर कास्ट के बीच में ही एक गैप बढ़ गया, बड़ा सा गैप बन गया, जो फायदा ले रहे हैं वो लेते ही जा रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहा वो अभी तक नहीं ले पा रहे, तो ये एक पॉइंट है, इसको आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, रिजर्वेशन डिस्ट्रॉय सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट है, ऐड कर लेना। कॉम्पिटिशन इज नो लॉन्गर ऑन द डिटर्मिन द बेस्ट बट द मोस्ट बैकवर्ड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप जो कॉम्पिटिशन है इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मेरिट में कौन अच्छा है, इस बात पर डिपेंड करने लगा कि ज्यादा बैकवर्ड कौन है, जो ज्यादा बैकवर्ड होगा कहने का मतलब वो ज्यादा मेरिट वाला है, क्योंकि उसको रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। अब देखते हैं, रिजर्वेशन आर द बिगेस्ट एनमी ऑफ मेरिटोक्रेसी, मेरिट को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है, कि जो मेरिट बेसिस पे जहां जहां आपको एडमिशन चाहिए वहां पे भी रिजर्वेशन फैसिलिटी, जैसे डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, कुछ प्रोफेशंस हैं जहां पे आई थिंक रिजर्वेशन मिलना चाहिए बस एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन सर्विस में जाने के लिए वहां पे अभी भी जो है आप मेरिट का ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है, क्योंकि एक जो कैपेबल डॉक्टर होगा वही बेहतर इलाज कर पाएगा। ठीक है,
तो कहने का मतलब है ये सब पॉइंट आप अगेंस्ट में डाल सकते हो. इट हैज़ बिकम अ टूल टू मीट नैरो पॉलिटिकल एंड्स. ठीक है, अपने पॉलिटिकल एंड्स को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है रिजर्वेशन सिस्टम को बढ़ावा देती ही जा रही है, जहाँ पर जरूरत नहीं भी है वहाँ पर भी है. ठीक है, मतलब वोट बैंकिंग का काम कर रहा है. द डोमिनेंट टर्न एंड एलिट क्लास विद इन द बैकवर्ड क्लासेस. मैंने ऊपर समझाया कि जो लोग बन चुके हैं ऑलरेडी, आगे जा चुके हैं, वो भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं. ठीक है, वही पॉइंट है. रिजर्वेशन हैज़ बिकम मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्लूजन रेदर दैन इंक्लूजन. ठीक है, ये एक्सक्लूजन मतलब जो पर्पज था अपने पर्पज से भटक गया और ये एक्सक्लूड ही कर रहा है, मतलब सोसाइटी में जो डिवीजन ही क्रिएट कर रहा है रेदर की इंक्लूसिव ग्रोथ की वजह से. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि लोअर कास्ट में भी एक डिवीजन बन गया है कि जो बड़े बढ़ गए हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और जो छोटे रह गए वो छोटे ही, मतलब वहीं पर वही हैं. ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ है. अब देखो रीज़न है, ये आप लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, पढ़ लेना क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है. ठीक है, अब देखो कुछ सजेशन यानी कि कंक्लूजन आपका जो होगा क्या होना चाहिए. ठीक है, तो कंक्लूजन में आपको सॉल्यूशन भी देना होता है. ठीक है, कंक्लूजन में आपको एक बिल्कुल जो है रैशनल अप्रोच रखना है और सॉल्यूशन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये भी आपको प्रोवाइड करना है. तो रिजर्वेशन बेनिफिट शुड फ्लो टू द वास्ट मेजोरिटी ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड क्लासेस, नॉट टू अ फ्यू प्रिविलेज चिल्ड्रन विद अ कास्ट टैग. ठीक है, कुछ लोगों को नहीं, रिजर्वेशन का जो टारगेट होना चाहिए जो मेजोरिटी ऑफ जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन पर होना चाहिए, ना कि जो कुछ लोग हैं जैसे कि मिनिस्टर हो गया, जो हाई ऑफिशियल्स रैंक है, सिर्फ वो रिजर्वेशन को प्रिवेल कर रहा है. इनको भी देखना काम है, इस सिस्टम को आपको सुधारना होगा. ठीक है, वही कहा गया, हाई रैंक ऑफिशियल्स, फैमिलीज, हाई इनकम प्रोफेशनल्स एंड अदर्स अबव अ सर्टेन इनकम शुड नॉट गेट रिजर्वेशन बेनिफिट्स, स्पेशली इन गवर्नमेंट जॉब्स. स्पेशली उनको गवर्नमेंट जॉब्स में जो IAS अधिकारी हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं या फिर कुछ ऐसे हैं, तो उनको रिजर्वेशन अवेल नहीं करना चाहिए. ठीक है, फेयर एंड प्रैक्टिकल वेज होना चाहिए टू इम्प्लीमेंट. ठीक है ना, मतलब होना चाहिए. दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है द प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन शुड बी फिल्टर ट्रूली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड इंडिविजुअल्स. ठीक है, इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये एक सोल्यूशन हो सकता है. कास्ट बेसिस पे ना दे करके इकोनॉमिक बेसिस पे, लेकिन इसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा पूरा, कौन गरीब है, कौन कितना अमीर है. ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो. रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम में आपको बदलाव करना पड़ेगा, जो माइंड सेट है लोगों का. ठीक है, उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा ग्रास रूट लेवल पे. ठीक है, मतलब नीचे से नीचे जो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें इंप्रूव हो सकती है. तो ये बेसिकली कुछ कंक्लूजन्स थे. तो ओवरऑल आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से रहा है. और EWS के ऊपर स्पेशली मैं बनाऊंगा. हाँ, और मैंने आपको EWS का कॉन्सेप्ट बता दूँ यहाँ पे लास्ट में कि EWS को क्यों वैलिड किया गया. ठीक है, मैंने बताया था कि लास्ट में बता दूंगा आपको. तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे. ठीक है, मैं ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि EWS अपने आप में एक बहुत ही अलग टॉपिक है. ठीक है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे वैलिड बता दूं. इंदिरा साहनी के केस में यानी कि मंडल केस में, ठीक है, मंडल केस दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को मंडल केस भी बोलते हैं. मंडल केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 50% जो है रिजर्वेशन कैप होगा. ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो 50% कैप है ना, ये स्पेशल सरकमस्टांसेस में इसको रिमूव किया जा सकता है. मतलब अगर कुछ ऐसा ज़रूरत ही हो गया जो सोसाइटी में चाहिए ही, तो इस 50% को आप क्रॉस कर सकते हो. ठीक है, तो ये तो सबको पता होता है कि 50% चाहिए, लेकिन ये भी एक इसी केस में कहा गया था. ठीक है, और आपको बता दूं EWS आने से पहले भी तमिलनाडु है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं. तमिलनाडु जो स्टेट है यहाँ पे 69% रिजर्वेशन है स्टेट के अंदर. ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी वैलिडिटी है, लेकिन ये कुछ स्पेशल लोगों को दिया गया था जो कि बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड है, तो उनके लिए था. तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वैलिड है ये. ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि EWS ही सिर्फ वैलिड किया है, सॉरी अब तो वैलिड नहीं किया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये वायलेशन नहीं है. ठीक है, ये तो हुआ कि मंडल कमीशन का जो आपका एक मतलब वो था रिकमेंडेशन. ठीक है, अब बात करते हैं जो EWS का केस आया था, इस पे जो है 3-2 मेजोरिटी से इसको वैलिड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये सही है. सही करने का बहुत सारा रीजन था, बहुत सारा इस पे पॉइंट्स है, लेकिन मैं आपको दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं कि फर्स्ट जो है मंडल कमीशन का जो एक मतलब एक थोड़ा सा रिकमेंडेशन था, मतलब एक जो उनके जजमेंट का पार्ट था स्पेशल सर्कमस्टांसेस, उसका यूज किया गया यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टांसेस का. दूसरा यूज ये किया गया था कि देखो पार्लियामेंट के पास ना, पार्लियामेंट हैज द पावर टू फॉर्म
एनी लॉ, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर जो होता है, लेजिस्लेटिव पावर जो होता है वो पार्लियामेंट के पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोलेगी या नहीं बोलेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि लेजिस्लेटिव पावर जो है इसका वायलेशन हुआ है कि नहीं। तो ईडब्ल्यूएस के केस में कहा गया था, जो ईडब्ल्यूएस का जो पास किया गया लॉ, ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट वायलेट नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, तो पहला बात तो जो लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल किया पार्लियामेंट ने वो बिल्कुल सही है। दूसरा, जो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस वाला केस था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एब्सल्यूट नहीं बोला था कि नहीं ही होना चाहिए किसी भी केस में, उन्होंने बोला कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप इस कैप को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये चीज़ आया था। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा इस जजमेंट में कि जब इंदिरा साहनी का जो इंदिरा साहनी का जो केस था उसमें जो डिस्कस किया गया था ना, सिर्फ ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी, इन सब को लेकर के डिस्कशन हुआ था, ठीक है, मतलब जो भी सर्वे कंडक्ट किया गया था, जो भी किया था, तो बैकवर्ड क्लासेस को लेकर के जो सर्वे कंडक्ट किया गया था, ये इन्हीं लोगों के, इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उनका कोई सर्वे कंडक्ट हुआ ही नहीं। तो जब इनका सर्वे कंडक्ट ही नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि जो अपर कास्ट लोग हैं, उनमें भी दिक्कत हो सकती है, जब सर्वे ही नहीं हुआ तो कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, जो मंडल केस था, जो इंदिरा साहनी का केस था, वो टोटली ओबीसी ओरिएंटेड केस था, यानी कि मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन था ओबीसी के बेसिस पे था, और उसी के बेसिस पे ये केस था। तो यहाँ पे तो अपर कास्ट का कोई मतलब डिस्कशन ही नहीं हुआ था, और फिलहाल जो गवर्नमेंट लेकर के आई है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट भी नहीं करता है, और ये एक जेन्यून प्रॉब्लम है कि जो अपर कास्ट के लोग भी हैं उनमें भी कुछ ऐसे जो हैं जो इकोनॉमिकली जो हैं वीकर सेक्शन में आते हैं, तो इस जो 3-2 मेजोरिटी है इससे ये इसको वैलिड किया गया। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में, ताकि आपके दिमाग में रहे, ठीक है, आप इसको एग्जामिनेशन में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस पर बहुत कुछ डिस्कशन हुआ था, बहुत सारा कुछ हुआ था, वो कभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो ईडब्ल्यूएस पे बनेगा उस पर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो या समझ सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।